इसकी बहन का भी आज बर्थडे है, ये दोनों ट्विंस हैं इसलिए एक ही दिन पैदा हुई थी। भाई गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना यार। सो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशांत और अभी आज सुबह हो चुकी है और मैं जा रहा हूं बाइक सर्विस पे डालने और अपना जो सैडल बैग का कवर है वो लेने जा रहा हूं। जो सैडल बैग का मेरा कवर था वो फट गया था पहले ही। जो दूसरा कवर था जो मैंने महेश भाई का लिया था लद्दाख राइड पे वो भी फट गया, क्योंकि एक जगह बहुत नैरो रोड आया था वहाँ पर वो पत्थर पे लग गया और पत्थर पे वो कवर फट गया। तो अभी मुझे एक और कवर लेना पड़ेगा। इस बार जो है राइड होने वाली है, जो मॉनसून राइड होने वाली है, तो मॉनसून में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो कवर बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं बाहर, कवर लेके आते हैं, फिर उसके बाद नहाएंगे धोएंगे क्योंकि अभी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, और फिर बाहर से आएंगे तो और गर्मी लगेगी, इसलिए बाहर से आने के बाद नहाएंगे। तो चलते हैं। देखो एक चीज कर दो गब्बर, इसको बेड से उतारने की डिंजा टेक्निक ले गब्बर, सिट, गुड बॉय। भाई गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना यार, इस गर्मी में दिन में राइड तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी हालत में राइड नहीं हो सकती दिन में, पूरी तरह से एनर्जी ख़त्म हो जाएगी दिन में एक दो घंटे राइड करने में, और ऊपर से बीमार पड़ सकते हैं वो अलग। अबे हाथ पैर जल गए यार, अबे भाई हाथ पैर जल गए यार। और ना यार मेरे को ना एक दिमाग में ख्याल आ रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं, मैं ना ये बाइक बेचने की सोच रहा हूँ। क्या लगता है आपको, मुझे ये बाइक बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए? और बेच के आपको फिर एक और बेवकूफ़ी वाली बात बताऊँ, मेरा बेच के मन कर रहा है मैं एवेंजर ले लूँ। अब क्यों कर रहा है वो मत पूछो, बस कर रहा है मन। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये एक्सपल्स बेच के एवेंजर ले लूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं सोच रहा हूँ एक ऑल इंडिया राइड करने की, जो कि एक्सपल्स पे काफ़ी टायरिंग हो जाएगी और एवेंजर पे काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगी, इसलिए मेरे मन में ऐसा ख्याल आया है। आप बताइए सही है या नहीं। हम पहुंच गए कांति नगर की रेड लाइट पर। तो जी हम पहुंच गए हैं कृष्णा नगर के आसपास और ये रास्ता दिखा रहा है इस गली में, इस गली में, क्योंकि इनकी फैक्ट्री जो है शिफ्ट हो गई है, पहले कहीं और थी, मतलब थी तो आसपास ही लेकिन अब इधर शिफ्ट हो गई है। तो मुझे पता नहीं है, मैं फ़ोन करूँगा। इधर दिखा रहा है यहाँ, हेलो। हाँ भाई मैं पहुँच गया हूँ ये लोकेशन पे, क्या है नंबर वगैरह पे, मैं गली में ही खड़ा हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर आया था अपने सैडल बैग का कवर लेने, तो कवर ले लिया मैंने, और ये भाई है विशाल भाई, तो ये यहाँ पर सब काम इनका है, यहाँ पर बनाते हैं, फैक्ट्री है यहाँ पर इनकी। तो अगर आपको सैडल बैग वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से आके ले सकते हो। लोकेशन भाई, लोकेशन बाहर रॉयल बुलेट का शोरूम है, उसके जस्ट बगल में ही होंडा का शोरूम के साथ ही गली है, C16 मेन कांति नगर, यहाँ का प्रॉपर एड्रेस है शाहदरा गांधी नगर। फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ पर आ सकते हो और सैडल बैग, टैंक बैग, सैडल बैग, रैकसैक बैग, टेल बैग, मतलब बैग से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। फिलहाल मेरे को सिर्फ इसकी ज़रूरत थी, मेरा सैडल बैग जो है बढ़िया काम कर रहा है, तो मैं बस सिर्फ कवर लेने आया था, क्योंकि बारिश की राइड है तो कवर ज़रूरी है। तो चलते हैं यहाँ से वापस घर पर और बाकी की तैयारी करते हैं। ठीक है भाई। तो भाई अपना जो है कवर तो आ गया, तो बारिश की टेंशन नहीं है। देखो सैडल बैग मेरा बढ़िया चल रहा है, भाई को बोला मैंने कवर दे देना भाई एक बना के, तो मैं कवर लेने आ गया। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है यार, पता नहीं लोग लद्दाख कैसे जा रहे होंगे। यहाँ पे ना लेक बन रही है, एक मतलब लेक बन के आ रही है, पहले भी लेक थी यहाँ पर, उसका फिर लेक का नाला बन गया था, अब फिलहाल उसको दोबारा लेक बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमने फिरने वाला सीन बनेगा, पता नहीं कब बनेगा।
काम तो चल रहा है। A few minutes later. तो गाइज नहा लिया हूँ अभी। दिक्कत लोगों से कुछ सामान मंगाया था वो आ चुका है, तो मैं दिखा देता हूँ क्या क्या मंगाया मैंने। तो गाइज तीन चीजें मंगाई है मैंने डिकैथलॉन से। सबसे पहली चीज है ये चश्मा, और ये चश्मा है 500 रुपए का डिकैथलॉन की वेबसाइट पे, 500 रुपए का, 499 का। तो मैंने एक ये मंगाया, वैसे तो मैं 100 रुपए वाला चश्मा यूज करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस बार खर्चा कर दिया जाए। आई होप ये खोएगा नहीं जल्दी। मेरे चश्मे बहुत ज्यादा जल्दी खोते हैं और खराब होते हैं, तो इसलिए मैं सस्ते वाले चश्मे यूज कर लेता हूँ। अभी 500 रुपए का मंगाया तो देखते हैं कितने दिन चलता है, लेकिन ये थोड़ा ना ज्यादा ब्लैक सा लग रहा है मुझे, ब्लैक वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन ठीक है, धूप से बचाएगा, काम करेगा। दूसरी आइटम जो है वो मैंने मंगाई है ये टी-शर्ट। ये टी-शर्ट भी मैंने डिकैथलॉन से मंगाई है। काफी लाइट वेट है, काफी हल्की है, पीछे देखो इसके अंदर मेश सी है, और मतलब काफी हल्की है यार, गर्मी के हिसाब से परफेक्ट है। तो ये राइडिंग में ये वाली टी-शर्ट पहनने वाला हूँ। ये कुछ देखने में इस तरह की दिखती है। तीसरी आइटम जो है मैंने मंगाई है वो है ये रेन पैंट। ये डिकैथलॉन की रेन पैंट है, ये काफ़ी अच्छी है। पहले मेरे पास यही थी जब मैंने ऑल इंडिया राइड खरीदी थी 2017 में, तब मैंने ये खरीदी थी, लेकिन वो फट गई मेरी। अब फाइनली मुझे एक और खरीदनी थी, तो मैंने कहा चलो मंगाते हैं। इसका प्राइस था शायद 699 की थी ये, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और ये टी शर्ट 500 रुपये की थी, कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा था, 100 रुपये कम मिल गए, 400 रुपये मिल गई। टेंट भी मंगाया था, लेकिन टेंट की डिलीवरी हो नहीं रही थी अभी, तो मैंने टेंट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो अभी टेंट बाद में लेंगे, फिलहाल ये सामान आ गया। अपनी राइड की तैयारी फुल है, बस जल्दी से सब कुछ निपटाते हैं और चलते हैं। ये देखो 12 बज चुके हैं, अभी तक मेकअप में लगी पड़ी है मैडम। इसकी बहन का भी आज बर्थडे है, ये दोनों ट्विन्स हैं, इसलिए एक ही दिन पैदा हुई थी। हम एक ही दिन पैदा हुए थे इसीलिए ट्विन्स हैं। और पता है ट्विन्स लोगों में ना दिमाग आधा आधा होता है, पता तुझे? एक कमजोर होता है तो एक शक्तिशाली होता है, एक रोचड़ू होता है तो एक हंसमुख। तेरे को रोचड़ू बोल रही है? तेरे को रोचड़ू बोल रही है? आपको नहीं बोल रही हूँ, पूजा को बोल रही है। किसी को नहीं बोल रही। देखेगी कल वो वीडियो। पगला गया। कान हजम कर रहा है। चलो गब्बर, चलो नीचे चल। तो ये आ गया है केक, जो कि वनीला मैंने बनवाया है। बनवाया नहीं है, बाजार से मंगवा के लाए हैं मैंगो के। और ये ऊपर की ला, मैं चलाऊंगी, मैं चलाऊंगी। मम्मी आ, मम्मी तो ये चला के आज जोड़ रहे हैं। मम्मी ना, ले दे दो ना, दे दो। अरे पहले फूंक मारनी है। चल भाई काट, एक मोमबत्ती बुझा दे, क्योंकि हमारे पास 40 मोमबत्तियां थी नहीं। 40 साल की हुई हूं। पीछे कवाड़ा खाना अच्छा लग रहा है। इधर पापा ये पूरी खा गई। पीछे हट जा तू, पापा बैठ क्या बोल रहा है। बहुत बहुत तुम को तो यार केक वेक कट चुका है और हमारी मैडम का बर्थडे, तो एक बार उनको हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे पायल, और आप सब लोग भी कमेंट में विश कर सकते हैं, और लिफाफा विफाफा देना है तो आप फोन पे कर सकते हैं। तो यार अभी जो है रात के 1 बजने वाला है, तो अपन लोग जो है सोते हैं, सुबह उठेंगे, और कल अपने को बाइक भी सर्विस करानी है और बैंक भी जाना है और बहुत सारे काम है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय। Forever.
watch you as you drive. Do you know I'm looking?